कोशिश में यहाँ लफड़ा हो सकता है। यहाँ पे आशीष जो की हमारे इंदर ने सपोर्ट लेके नीचे उतारा है, मैं बहुत गंदा हालत हो गया था। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्री स्ट्रोलर। और आज हमारे हम्पी और पूरा हम्पी का चौथा पार्ट ले गया है, जो कि लास्ट पार्ट है आपको बताया था पहली व्लॉग में। और आज हम लोग पूरा कवर करेंगे मातंग पर्वत, जो कि बहुत ही फेमस पर्वत है। उसके अलावा हम जाएंगे नंदी का जो टेम्पल है, नंदी टेम्पल, वहाँ पर पूरा घूमेंगे। थर्ड लास्ट जो कि वो सबसे फेमस था आपको बताया था, स्टोन चैरेट, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है, वहाँ पे जाएंगे फुल मजे लेंगे और काफ़ी हल्ला मचाएंगे, बिंदास फुल मजे लेंगे। तो कैसा एक्साइटमेंट है सन्नी? बहुत ज़्यादा यार, एक शिला नंदी यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है और स्टोन चैरेट तो यार बहुत ज़्यादा ही है। तब तो फिर हमें स्टोन चैरेट तो यार अभी मैं मोस्ट अवेटेड है वो, तो वहाँ पे चलते हैं यार पहले। अब 50 करोड़ अगर नहीं हो रहा ना भरोसा तो 50 करोड़ खोल के, अरे ये रहा, ढूंढा है उसे वीडियो में। तो भाई देखो आराम से और वीडियो पूरा देखो, अभी आपको दिखाते पूरा एक एक चीज़, तो बने रही आप मेरे। तो भाइयों यही है कृष्ण बाजार, जो कि अभी तक मैं यहाँ पे कृष्ण बाजार लगाया करता था एक टाइम पर, जो कि अभी रहा नहीं है। आप देख सकते हैं उसके अवशेष पड़े हुए सामने में। तो हम कृष्णदेव मार्केट में चल रहे हैं, जो कि द्वापर युग के टाइम पे उजड़ चुका था पूरी तरह से, काफ़ी कुछ इसके कारण रहे उजड़ने के। इसके आगे एक लेक भी है, वो मैंने देख लिया यहाँ से, हम आपको लेके चलते हैं वहीं पे। इस कृष्णा बाजार में ही एक लेक भी है। तो भाइयों हम कृष्णदेव मार्केट घूम रहे थे और ये मार्केट के अंदर ही ये तालाब है बढ़िया सा, इतना पुराना होने के बाद भी तालाब बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ, बिल्कुल गंदा नहीं हुआ है। और यहाँ पर भी मार्केट लगती थी उसी तरह से, यहाँ पे भी दुकानों के टाइप में बने हुए हैं, यहाँ भी मार्केट लगती थी। काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है, गंदा बिल्कुल भी नहीं हुआ है पुराना होने के बावजूद, लेकिन कमज़ोर धीरे धीरे हो रहा है। और वहाँ से पत्थर गिर सकते हैं, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कुछ कुछ पत्थर नीचे गिरे भी हैं वहाँ पर। अगर मैं आपको कमज़ोर नहीं हो सकते वो वाले पत्थर, जहाँ पर मार्केट लगती थी वो तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे हैं, बट उनके साइड में कुछ पत्थर भी गिरे हैं, वो कमज़ोर नहीं हो सकते भाई पत्थर, वो पत्थर कमज़ोर कर देंगे बंदों को, वो पत्थर बंदों को कमज़ोर करते हैं ना कि खुद कमज़ोर है। और पीछे बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जो कि आज तक हिल नहीं पाई। और लेक के बीचों बीच भी ये है, ये इस टाइप का चैट्रोट जैसा ही मॉन्यूमेंट बना हुआ है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसकी परछाई बिल्कुल लेक पे बिल्कुल बराबर सिमेट्री के टाइप में बन गई है, काफ़ी अच्छा लगता है इसे देखने में। तो भाइयों हम लोग हम्पी में पूरा घूम रहे हैं अभी, तो कुछ यहाँ के मतलब लोकल जो होते हैं, जो यहाँ के आसपास रहने वाले गाँव हैं, वहाँ के लोगों से बात करने पर पता चला कि इसका इतिहास ना अभी लगभग किसी को भी नहीं मालूम है सही से। और पर ये बात समझ में आ गई कि ये विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी हम्पी, जो कि बहुत फेमस था। ये 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच में काफ़ी प्रसिद्ध था, और काफ़ी विदेशियों ने, जैसे फ्रेडरिक हो गया और कुछ, और आपका भारबोसा हो गए, ये सब ने यहाँ पर यात्रा की है। पर इसका विवरण अभी तक शान और शौकत के बारे में बहुत अच्छा है कि यहाँ पे इसके इसकी कला, इसकी जो उस टाइम पे जो इसकी कलाकृति थी बहुत फेमस थी, और इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, मैं आपको बता सकता हूँ। और हम्पी इतना ज़्यादा मतलब फेमस था उस टाइम से ही, 16वीं शताब्दी से लोग दूर दूर से घूमने आते थे विदेशों से, पर इसका इतिहास अभी भी पता नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि शिव जी और पार्वती की शादी यहीं पर हुई थी, उनका विवाह हुआ था। तो कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर कृष्णदेव ने इस राज्य को बसाया था विजयनगर में। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे वहाँ पे शिव जी ने यहाँ पे आके तपस्या की थी पार्वती जी को पाने के लिए। तो बहुत सी कहानियाँ यहाँ पर प्रसिद्ध है, बट अभी इसकी जो ओरिजिनल इतिहास है वो अभी तक किसी को पता नहीं है यहाँ के हम्पी के बारे में। और हम लोग चेक करके गूगल पे भी चेक कर रहे, तो बताएंगे आपको उस पर भी कि उस पर क्या शो हो रहा है। हालांकि इसका ये पूरा ऐसा लग रहा है शहर सा बसा हुआ है, यहाँ पे पूरा बाजार है, बाजार पहले के टाइम का बाजार शो हुआ है, जो कि मैंने आपको दिखाया, पूरा बाजार जैसा लग रहा है। कुछ मतलब यहाँ पे रहने का घर वर भी है, मंदिर भी पुराने टाइम का पत्थरों से बने पड़े। इसके अलावा बहुत सारी चट्टाने हैं जो अलग अलग चीज़ें बताती हैं। तो उसके बारे में ये लग रहा था विजयनगर पूरा दिख रहा है कि विजयनगर पहले था। और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि विजयनगर यहाँ से लेके आपका रामेश्वरम तक बसा हुआ था, जो कि क्लियर नहीं हो पा रहा है कि यहाँ पे बता रहे रामेश्वरम तक बसा था, कि जो विजयनगर के राजा थे कृष्णदेव ने, वो यहाँ से यहाँ इसको अपनी राजधानी बनाई थी हम्पी को। और साथ ही साथ उन्होंने
रामेश्वरम तक विजय प्राप्त कर ली थी। और ये सारा 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में सारा हुआ था, जो कि बहुत साल हो गए। पर यहाँ पे पूरा शहर बसा हुआ था, आप देख सकते हैं पीछे भी। यहाँ पे जगह जगह आपको द्वार मिल जाएंगे, आपको खंडहर मिल जाएंगे जो कि एक टाइम पे किला हुआ करते थे। यहाँ पे मंदिरें मिल जाएंगे, बहुत पुराने पुराने मंदिर हैं, तो इसका बारे में हमें पता नहीं है अभी। बाकी लोगों से बात कर रहे हैं तो यही पता चल रहा है, गाइडर भी यही बोल रहे हैं। और आपको आगे की जानकारी जो भी होगी वो हम देते रहेंगे। तो हम लोग जा रहे हैं पहाड़ी की तरफ। और ये पीछे देख सकते हैं इंदर और सन्नी दोनों आ रहे हैं पीछे से। और ये रास्ता जा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रास्ता जा रहा है आपका पहाड़ी की तरफ, वे टू हिल, ये रास्ता जा रहा है। तो भाइयों ये जा रहा मातंग पर्वत की तरफ ये रास्ता, और हम लोग जा रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं। और देख सकते हैं कैसे कैसे रास्ते हैं, हार्ड रास्ता है और बहुत ऊंचा लग रहा है ये रास्ता। तो भाई देखो हम लोग बहुत ऊंचा पहुंच चुके हैं, देख रहे सीढ़ी, हम लोग देख रहे हैं आप कहाँ थे, वो सामने नीचे थे वहाँ पर, वो मंदिर के पास थे जहाँ पे मंदिर पे दर्शन किए। और सामने देखिए कितना ऊंचा चढ़ गए हैं, करीब चढ़ रहे हैं, हालत भी ख़राब हो चुकी है बहुत ज़्यादा। और अभी तक मातंग पर्वत का देख रहे सीढ़ी चल रहा है, और पहुँच की कोशिश करते हैं और पहुँचते ही आपको बताते पूरी सीन और पैर कैसा लग रहा है। तो भाइयों हम लोग पहुँच चुके मातंग पर्वत, ये पहाड़ पत्थर ही पत्थर है, हालत ख़राब हो गई देख सकते हैं। पर पर्वत तो यही है शायद, ये पत्थरों से बना हुआ है देख सकते हैं पीछे। और ये देख सकते हैं गड्ढे अड्ढे हैं, ये भी हिल रहा है। और देख सकते हैं आप मेरे पीछे का हिस्सा, ये देख सकते हैं कितना नीचे है बिल्कुल। हम लोग कहाँ थे, कम से कम मानेंगे नहीं आप, मिनिमम 400-500 फीट तो होंगे, ज़्यादा ही है, कम से कम 500 फीट ऊपर ही है ये मातंग पर्वत, बहुत ऊंचा है। हमें चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो गई, इसकी सीढ़ी भी बहुत खतरनाक है, इतनी खतरनाक सीढ़ी है ना कि हल्का सा भी इधर उधर हुआ सीधे नीचे जा सकते हैं। अब देख सकते हैं हम लोग कहाँ पर है, कोई इधर जगह नहीं है, कोई प्लेन प्लेस नहीं है, कोई इधर नहीं है। अब देख सकते हैं पूरा, देख सकते हैं हल्का सा इधर हुआ सीधे गड्ढे में जाके खत्म, बंदा खत्म। और ये मातंग प्लेस, मेरे को समझ में नहीं आ रहा बाली ने मार के इधर फेंका ही क्यों इतना ऊंचा, बहुत ऊंचा था, यहीं पे फेंका था, यहीं पे शराब मिला था बाली को। तो आपको दिखाता हूँ बाहर सामने का नज़ारा, यही सामने का नज़ारा देख सकते कैसे कैसे प्लेस है। ये देखिए ये गड्ढा है, पसीना हो गया ज़्यादा ही, ये देख सकते गड्ढा है, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कैसी कैसी जगह है ये सामने, कम से कम बहुत नीचे हम लोग, और हम लोग बहुत ऊपर आ गए नीचे से, ये देख सकते कैसे कैसे पत्थर अटके हुए हैं। और ये पूरा मातंग पर्वत, और सामने देख सकते एक नदी सी जा रही है, वो ये तुंगभद्रा नदी, यहाँ से आपको पूरा दिखा रहा हूँ मैं हम्पी। तो भाइयों ये रास्ता जा रहा है बहुत खराब रास्ता है, यहाँ से कोशिश मत करिए यहीं से जाने की कोशिश करिए, पर ये लड़का नहीं मान रहा है, इसे ज़बरदस्ती बुलाया हूँ, ये रास्ता बहुत खतरनाक है, आप कोशिश, बहुत हार्ड रास्ता है, हम लोग जा रहे हैं वही काफ़ी है। ये देख सकते हैं कैसा कैसा रास्ता जा रहा है, बहुत ख़राब रास्ता चल रहा है ये, अभी ये ऐसी घट रही है होने वाली ऊपर, देख सकते हो सीढ़ी सी है बहुत ऊँचा भाई। तो भाई हम आ चुके हैं मातंग पर्वत के ऊपर, आप देख सकते हैं ये मातंग पर्वत कितना ऊंचा है, यहाँ से पूरा का पूरा हम्पी बड़े आसानी से दिखाई दे रहा है, और आप इन नज़ारों को का लुत्फ़ उठाइए। तो भाई हम आ चुके हैं इस टेंपल की सबसे ऊंची चोटी पे, आप देख सकते हैं ये है हमारा बैक पॉइंट, बहुत गंदा हालत हो गया है, आप कोशिश करिएगा कि एकदम जूते एकदम वो वाले पहन के आइएगा, बहुत हमने बेकार काम किया है, पर हम लोग देखते कोशिश करते हैं और आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। मेरे लिए पड़ा भाई, तो भाइयों अगर आपको मातंग पर्वत पे जाना है तो आपको ऐसी सीढ़ियों का भी सामना करना पड़ेगा, देख लीजिए भाई ये काफी हार्ड है, तो अगर आप बहुत ज्यादा एडवेंचरर हैं या फिर आप एडवेंचर का शौक रखते हैं तो ही आप ये करना, नहीं तो आप फिर चैट रोड देखना, कोशिश करना कि गाइड का सहारा ले, गाइड का सहारा ले, और अगर एडवेंचर पसंद बंदे हैं तो ही ये करना, हीरो बनने की कोशिश ना, हीरो बनने की कोशिश में लफड़ा हो सकता है। यहाँ पे आशीष जो कि हमारे हैं, बहुत डर गया था, बहुत गंदा हालत हो गया था, हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं इंदर के सहारे आया हूँ, सिर्फ आते आते मैं सीधा गले मिला हूँ। चलिए अब हम नीचे जा रहे हैं सेम रास्ते से, और नीचे जाने के बाद हम चैट रोड जाएंगे। तो भाइयों हम लोग उतर रहे हैं, बहुत गंदा हालत हो गया, ये भाई को मैं सलाम करता हूँ भाई, अगर ये नहीं रहता ना तो मेरा उतरना भाई नामुमकिन था, मैं ऊपर ही घर बसाने वाला था, बहुत गंदा हालत हो गया था मातंग पर्वत पे, मातंग पर्वत और मातंग बन जाता है भाई, तो गंदा हालत हो जाता भाई, मेरा उतर नहीं रहा था, मैं इंदर की वजह से इंदर आ गया था,
और उसके पीछे पीछे मैं चढ़ रहा था कि गिरूंगा तो इसी के ऊपर गिरूंगा, कैसे कहलासा, और सन्नी नीचे खड़ा था कैच करने के लिए। पर सोचने वाली बात यह कि एक फैमिली आई जो कि लगभग 50 से ऊपर की है, वो कह रही है हमारी डेली की आदत है। तो हमें को समझ में आया ये एक सिस्टम है वो यार, वो लोग जा रहे हैं तो इधर लोग जा रहे हैं और डेली करते हैं, कैसे कर ले रहे, यही समझ में नहीं आ रहा। सीढ़ी है हार्ड, इतना रास्ता है ना, एक दाव लगाने का खेल है और ये लोग का डेली आदत है। तो आप लोग गाइड के साथ ही रहिएगा फर्स्ट टाइम है, तो अगर आदत है तो कोई बात नहीं, आप तो अपने आदमी है फिर, पर डरिएगा ना, तो हमारी टीम में है, आ जाइएगा, कोई बात नहीं, हम डर का सामना करते हैं। तो ही कर रहे हैं, आज मैंने किया, कोशिश किया, पर आगे और करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा मातंग पर्वत की कहानी जो कि मुझे पता चली है। मातंग पर्वत एक जो ऋषि के नाम पर रखा गया था, एक मातंग ऋषि थे जो इस पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, और वो मातंग पर्वत ये किष्किंधा राज्य के अंदर आता था जो कि अभी एमपी बन चुका है, और ये किष्किंधा राज्य पर बाली नाम से राज्य करता था, बाली नाम का, जिसे आप जानते होंगे जो सुग्रीव का भाई था और उसे राम जी ने मारा था रामायण काल में भी आपको मालूम होगा। तो बाली इस राज्य पर राज्य करता था। एक दिन वो सुनने में आया कि जब वो वो आराम कर रहे थे अपने मतलब महल में, तभी दुदुम्बी नाम का एक राक्षस था जो उनको युद्ध के लिए चुनौती दिया, और उन्होंने फिर भी मना करने की कोशिश की, बट वो दुदुम्बी राक्षस नहीं माना, तो इस कारण उन्होंने गुस्से में दुदुम्बी को पटक दिया और तुंगभद्रा नदी से डायरेक्टली वो मातंग पर्वत पर फेंक दिए, और मातंग पर्वत पर फेंकने के बाद दुदुम्बी के कुछ खून के टीके, खून के कण जो कि तब वो मातंग जी पे भी जाके गिरे, और मातंग ने और मातंग की तपस्या एकदम भंग हो गई। तब उन्होंने बाली को एकदम श्राप दे दिया कि जिस तरह अगर जब भी तुम आओगे इस पर्वत पर तो बाली की मृत्यु निश्चित है। तो आगे यही कहानी है मातंग पर्वत की, और इसी कारण ये इस पर्वत का नाम मातंग पर्वत पड़ा है, और काफ़ी जानने पे अच्छा लगा, और इसके आगे की कहानी भी है जो कि हमें मालूम नहीं पड़ी, पर कुछ आइडिया लग रहा है कि रामायण काल से बहुत पुराने टाइम से जुड़ा हुआ है। और आगे आपको चलते हैं, और चलते हैं हम लोग चैरेट स्टोन चैरेट पहुँच के आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो भाई देखो एकचिला नंदी ये लिखा पड़ा है, और हम लोग एकचिला नंदी पहुँच गए हैं, देख सकते हैं नंदी को बनाया गया है, देख सकते ये पूरा कुछ बन रखा है, और को नीचे उतर के बताते पूरा कैसा है। देख सकते हैं, देखिए अंदर चलते हैं, अंदर यह कलाकृति आपके दिखा सकता हूँ कितनी पुरानी है। अंदर का दिखाते हैं, अंदर का। तो दोस्तों यही है अच्युतराय टेम्पल जो कि काफ़ी पुराना है और काफ़ी तगड़ा सा है, आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा अच्युतराय टेम्पल है। कुछ तो टूट गए, सरकार को गवर्नमेंट को इन सब की चीज़ की रिपेयर करना जो बहुत ज़रूरी है, वरना ये ऐसे ही पड़े रहेंगे, रिपेयर नहीं होता है। बट आप देख सकते हैं इनकी कलाकृति, तो देख सकते हैं कि पहला द्वार है और दूसरा द्वार उस साइड है, सामने वाले में, सामने में कुछ चीज़ें खराब हो चुकी है, उजड़ चुकी है, तो इसके बारे में कुछ इतिहास भी लिखा हुआ है, तो इतिहास पढ़ते हैं कुछ। यह अच्युत राया मंदिर है इसका नाम है। तो भाई हम लोग आगे स्टोन चैरेट पहुंचने वाले हैं, और पीछे का व्यू बहुत तगड़ा आ रहा है, अभी बगल में नदी भी जा रही है, तुंगभद्रा नदी के किनारे ये स्टोन चैरेट भाई, बिल्कुल बिल्कुल। तो फोन से अभी स्टेबिलिटी अच्छी नहीं हो रही है, नेटवर्क नहीं आ रहा है। ये देखो विट्ठल टेम्पल आ गया, अब शोर है विट्ठल टेम्पल, तो हम लोग पहुंच रहे हैं कैसे करके जल्द से जल्द स्टोन चैरेट, और वहीं पे आके आपसे मिलते हैं। तो भाई यही स्टोन चैरेट भाई बहुत प्यारा है, बहुत पुराना है, इधर टिकट लग रही है, तो सोच सकते हैं आप कि इसमें कुछ तो बात होगी। और यही देखिए आप ये देख सकते हैं 50 के नोट पर यही रहता है, मैं आपको शो कर रहा हूँ,
मैं शो करता हूँ पूरा। यही स्टोन चैरिट जो हम लोग पूरा घूम रहे हैं, 40 रुपये टिकट लेके पूरा घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पूरे कुछ टेम्पल वेम्पल भी है अंदर में, और ये पीछे वाला स्टोन चैरिट है जो 50 के नोट में रहता है ये वाला, और बाकी और भी चीज़ें मैं आपको शो करता हूँ। मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई इस वजह, फ़ोन की भी बैटरी ख़त्म होने जा रही है अभी, बहुत फ़ोन ही नहीं बचेगा, और शाम का टाइम भी हो गया, 6 बजे के बाद बंद हो जाता है ये, और हमें खुद कितने 45 पे पहुँचे हुए 20 मिनट के टाइम में, 20 मिनट में सबको निकाल दिया जाएगा। तो ये देख सकते हैं कैसा प्लेस है, यहाँ पे लोग घूम रहे, बहुत ज़्यादा भीड़ है, और शाम और इस पर इसका रास्ता बहुत हार्ड है, इसलिए 6 बजे के बाद बंद कर दिया जाता है। और ये पीछे देख सकते हैं पूरा प्लेस है, तो भाइयों 10 मिनट और बाकी है और हम थोड़ी तेज़ी में काम कर रहे हैं, और ये वाली हमने स्टोन चैरिट देख लिया है और अपनी दो चार पिक्चर कैप्चर कर दी वहाँ 50 के नोट के साथ, अपनी तीनों की ग्रुप सेल्फी, और सनसेट होते के साथ ही यहाँ पे लेपर्ड का भी खतरा रहता है, 6:30 तक, नहीं 6 बजे तक ही बंद हो जाता है, और अभी हो रहे हैं 5:50, यानी कि 10 मिनट और बाकी हैं, हम देख रहे हैं इसे, और चलो बोल रहे हैं हमसे, लेकिन अभी 10 मिनट बाकी है, तो हम इसके अंदर और एक बार जाएंगे, बस इसके अंदर का मैं वीडियो बना के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि 6 करेक्ट बज चुके हैं, और अब एक बंदा भी अंदर नहीं है, लास्ट बंदे हम ही निकल रहे हैं यहाँ से बाहर, देख सकते हैं अब पीछे कोई भी नहीं है, अब हमें यहाँ से बाहर जाना ही होगा क्योंकि टाइम पूरा कम हो चुका है। तो भाइयों हमने आज का अपना ट्रिप यहीं पर ख़त्म किया है, क्योंकि यहाँ पर 6 बजे के बाद घूमना फिरना ये सब ख़त्म हो जाता है, और 6 से ज़्यादा बच चुके हैं, सो हम अब लौट रहे हैं, अब हम जाएंगे अपना ठिकाना डालेंगे, सोएंगे आज, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में हम तीनों। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में ही आपसे मिल पाएंगे, तो ठीक है, बने रहिए हमारे, गुड बाय गुड बाय बाय बाय।